तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां रिश्वत लेते हुए दूसरी बार एक महिला पटवारी लोकायुक्त के हाथों ट्रैप हुई है। यह कार्रवाई आज जिले के सिरमौर तहसील में हुई, जहां ग्राम तेंदुर हल्का पटवारी भारतीय अवधिया को लोकायुक्त की टीम ने 2500 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है, जबकि उक्त पटवारी द्वारा 2500 रुपए की रकम फरियादी से पूर्व में ही ली जा चुकी थी। बता दें कि पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पूर्व उक्त पटवारी को जिले के गुड़ तहसील में पदस्थापना के दौरान भूमि सीमांकन के एवज में 9000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, जिसका प्रकरण अभियोजन स्वीकृत में अभी लंबित है, जिसके 8 वर्ष बाद आज एक बार फिर सिरमौर तहसील में पदस्थ उक्त हल्का पटवारी को आज नक्शा तरमीम के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा लोकायुक्त की टीम ने सिरमौर तहसील के तेंदुल हल्का पटवारी भारतीय अवधिया को नक्शा तरमीम करने के वजह में 2500 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के मुताबिक फरियादी उमेश प्रताप सिंह निवासी ग्राम तेंदुल तहसील सिरमौर के द्वारा हल्का पटवारी भारतीय अवधिया के खिलाफ नक्शा तरमीम करने के वजह में 5000 रुपयों की रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि फरियादी द्वारा 2500 की रकम पूर्व में ही दी जा चुकी थी, जबकि बकाया रिश्वत की रकम आज देनी थी, जिसकी शिकायत के उपरांत लोकायुक्त की टीम ने सुनियोजित तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए फरियादी से पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। लोकायुक्त टीम के मुताबिक हल्का पटवारी को दूसरी बार रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इसके पूर्व उनके खिलाफ 8 वर्ष पूर्व 9000 की रिश्वत लेने के आरोप में ट्रैप किया गया था। इसके बाद आज दूसरी बार पटवारी को एक बार फिर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। फिलहाल मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं तेंदुन का हूँ, जमीन का नक्शा तरमीम का काम था, तो वही आवेदन किया था, तो मैडम पैसे की मांग की थी, तो 5000 रुपये की मांग की थी, 2500 ये पहले ले ली थी, 2500 भी ली है। जी अवैध रूप से की जा रही थी, क्योंकि ये एक समय पर वो अभियान चल रहा था, अभियान के तहत जी नक्शा तरमीम का काम अभियान मिला था, तो पटवारियों को आदेश था कि ये जाके मौके पर नक्शा तरमीम करें। अभी मैं आवेदन किया था, उस दौरान इन्होंने टाल मटोल करके नहीं किया, और जबकि मैं समय से पहले दिया था, पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और टालती गई। फिर बाद में बोले कि अभियान अब ख़त्म हो गया है, अब पैसे लगेंगे, एड्रेस करवाना पड़ेगा, ये है वो है, दुनिया भर से बताएं। मैंने निवेदन किया कि हम लोग गरीब हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग बस इतना पैसा तो नहीं रहता, कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और बात पड़ी रही। बीच में कई बार निवेदन किया, मैं मिलने भी गया, चलता रहा, फिर मैंने शिकायत की, और शिकायत के बाद सर ने जैसा हम लोग को यहाँ से गाइडलाइन दिया, मैंने वैसे उमेश प्रताप सिंह ग्राम तेंदुन बैकुंठपुर और तहसील सिमरिया की पटवारी हैं, ये नाम है इनका भारतीय अवधिया, ये आज 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई हैं। ये उमेश प्रताप सिंह हैं, ग्राम तेंदुन के रहने वाले हैं, इन्होंने एक जमीन खरीदी थी और उसके नक्शा तरमीम कराने के लिए आवेदन किया था, मगर पटवारी द्वारा हील हवाला करके पैसे की मांग की जा रही थी, 5000 रुपए की डिमांड की गई थी, 5000-2500 रुपए शिकायत के दौरान दे दिए गए थे, 13 सितंबर को शिकायत की थी इन्होंने, और 2500 रुपए आज लेते हुए ट्रैप किया गया। जी पहले एक बार ये ट्रैप हो चुकी, इसका कार्रवाई चल रही प्रोसेस में, और आज ये दोबारा ट्रैप हो गई है, तो शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष की गई थी, सत्यापन के पश्चात आज उनको पैसे लेकर ट्रैप किया गया। ये ग्राम तेंदुन हल्का तेंदुनी और तहसील सिरमौर लगती है, और
ये ट्रैप वहीं ग्राम तेंदुन में जहाँ बैठते हैं राकेश सिंह का मकान है, वहीं सामने बाउंड्री है, उनकी ट्रैप है।